हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एम पी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो गैस, मेरे पिछले वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो मुझसे पूछा गया क्वेश्चन था वो था कि भैया रिजल्ट पर कोई अपडेट दीजिए कि कब हमारा जो ट्वेल्थ का रिजल्ट है वो आने वाला है। तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को आपके रिजल्ट की अपडेट दूंगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास काफ़ी सारे न्यूज़ अपडेट्स आ रहे होंगे कि आप लोगों का रिजल्ट इस दिन आने वाला है, और आप लोग कई सारे न्यूज़ भी देख रहे होंगे कि आज रिजल्ट घोषित हो गया, और भी ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने ज़रूर आ रही होगी। तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को जो चीज़ बताऊँगा ये कुछ एनालिसिस के बेसिस पे है, कुछ चीज़ें मैंने खोज करके निकाली है, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कितना टाइम लग सकता है और आप लोगों के रिजल्ट के आने में। तो देखो, एनालिसिस कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले साल का बताऊँ कि पिछले साल एमपी बोर्ड ने कितना टाइम लिया था आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर करने में, तो पिछले साल अगर देखा जाए तो आप लोगों की 1 से लेकर 10 मार्च के बीच में आप लोगों की ट्वेल्थ की एग्ज़ाम खत्म हो चुकी थी। फिर आप लोगों का जो रिजल्ट आया था वो ऑलमोस्ट 29 अप्रैल को आया था, यानी 29 अप्रैल को आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे। मैंने वीडियोज़ भी डाले थे, आप लोगों की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो कुल मिला के ऐसा देखा जा सकता है कि एमपी बोर्ड ने जो है पूरे पूरे 2 महीने के आसपास टाइम लगा दिया था एमपी बोर्ड ट्वेल्थ का रिजल्ट डिक्लेयर करने में। तो इसी बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो इस साल आप लोगों की 1 अप्रैल को लास्ट पेपर होना था क्लास ट्वेल्थ का, पर कुछ पेपर को एक्सटेंड करके 5 अप्रैल तक के लेकर के चले गए। तो 5 अप्रैल में आप लोगों का ट्वेल्थ का आखिरी पेपर था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2 महीने के आसपास एमपी बोर्ड ने अगर पिछले साल टाइम लगाया था तो ऑलमोस्ट उतना ही टाइम एमपी बोर्ड इस साल भी लगाएगी, ऐसा हम सोच करके चल सकते हैं। तो अगर इस पैटर्न को हम फॉलो करें तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का अगले महीने के मिड में, यानी मई के मिड में या फिर आपके मई के लास्ट वीक में रिजल्ट आने की संभावनाएं बनती है। ये गाइज, मैं अपने तरफ से कोई न्यूज़ व्यूज़ आपको नहीं सुना रहा हूँ, ये बस एक एनालिसिस बता रहा हूँ कि पिछले साल ऐसा हुआ था और हर साल ऐसा ही होता है, ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगाता है एमपी बोर्ड। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, इधर उधर की बातों में ना आए, आप लोगों का जो रिजल्ट है अगले महीने के मिड में या फिर लास्ट वीक में आ सकता है। ये मेरे एनालिसिस के बेसिस पर मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मैं तो कहूँगा रिजल्ट आने के बीच में जितना भी टाइम है आप पता कीजिए कुछ स्कीम्स के बारे में जो एमपी बोर्ड लॉन्च करती है बच्चों के फ़ायदे के लिए, या फिर कॉलेजेस के बारे में, या फिर आप जो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। जितनी भी अपडेट होगी एमपी बोर्ड से रिलेटेड आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आई होप आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।